तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीरितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। आज महाशिवरात्रि के पावन तिथि है, चारों ओर शिवरात्रि पूजा का प्रस्तुति चल रहा है और आज हमारे प्रसंग है, विशेष प्रसंग, शिव जी को क्यों महादेव या देवादिदेव आदिदेव कहा जाता है। शिवा इज आफ्टर ऑल वन ऑफ द गॉड्स, लेकिन उनको माना जाता है द ग्रेट गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ द गॉड। ये हमें जानना जरूरी है। आज पहले हम वही चर्चा करेंगे और उसके पहले शिवरात्रि तिथि का क्या तात्पर्य है वो बताएंगे। शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार भगवान विष्णु और स्वयं ब्रह्मा जी से तर्क हो रहा था दोनों के भीतर कौन महान है। जब तर्क में समाधान नहीं हुआ तब भगवान विष्णु माहेश्वर अस्त्र प्रयोग किया ब्रह्मा जी के ओर। ब्रह्मा जी भी पाशुपत अस्त्र प्रयोग किया, विष्णु के सीने पर ताक करते हुए। चरम विपत्ति का प्रलय आ गया। तब अचानक दोनों के बीच एक अग्निस्तंभ आके उपस्थित हो गया। उन्होंने समझ नहीं पाया क्या है। तब विष्णु ने नीचे पाताल की ओर ढूंढने के लिए चले गए और ब्रह्मा जी ने ऊपर में आसमान की ओर चले गए ढूंढने के लिए कौन है। भगवान विष्णु नीचे जाकर कुछ उसका तल नहीं पहुंच पाया, कुडन रीच द बॉटम, कहाँ इसका शेष है ढूंढ नहीं पाया। वैसे ही ब्रह्मा जी जब ऊपर में गए नाना स्तर अतिक्रम करते हुए भी उसका सीमा के सीमा तक पहुंच नहीं पाया। तब दोनों ही परेशान होके युद्ध स्थल पर लौटे और तब आश्चर्य जो कि देखा वो अग्निस्तंभ के भीतर से भगवान शिव आविर्भूत होते हैं मुस्कुराते हुए और दोनों को कहते हैं आज ये तिथि में आप लोग को पता चला मैं कौन हूँ। और ये तिथि धरती में शिवरात्रि रूप से माना जाएगा आज के दिन से। और आज की तिथि में जो कोई मुझे पुकारेंगे वरदान मांगेंगे मैं उसको प्रदान करूँगा। इसलिए ये तिथि का इतना महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही हमारे परंपरा के अनुसार उत्तराखंड में संन्यास का दीक्षा दिया जाता है कैलाशा समाधि में। यद्यपि रामकृष्ण मठ में भगवान श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि में किया जाता है उसका भी व्याख्यान आगे करेंगे वो क्यों किया जाता है।
तो अभी ये तिथि है परम पवित्र तिथि और शिव जी है आशुतोष, तो आज शिव पूजा इसलिए चारों ओर होता है। यहाँ पर बेलून मठ में, विशालाकार में होता है, लखनऊ मास्टर में होता है, सारा रात्रि व्यापी उसका कार्यक्रम भी आपको दिया गया है। तभी जो शिव जी को जो देवादिदेव महादेव कहा जाता है, इसको क्या कारण है? अनेक कारण है। समय के अनुसार संक्षिप्त करके मैं यहाँ पर सिर्फ 10 कारण बताऊंगा। प्रथम है शिवजी ब्रह्म है, शिवजी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जैसे दक्ष के रूप में आविर्भूत हुआ था जब प्रलय हो जाता है तब पूरा सृष्टि समेट कर शिव जी के पास आ जाते हैं, वहाँ पर स्थित होता है। फिर सृष्टि के प्रारंभ में शिव जी उसका शब्द ब्रह्म से शुरुआत करते हैं। इसीलिए शंकराचार्य स्तंभ में कहा है वो आदि देव है, सबकी उत्पत्ति का कारण है एवं देवेश है, देवगण का भी वो श्रेष्ठ है, ईश है। और शिव जी का ऐसी दया करुणा है वो सबसे परे है, इसलिए न केवल देवेश है, न केवल देवतागण इंद्र कुबेर इत्यादि शिव का पूजन करते हैं, जो यक्ष राक्षस आदि शिव जी को ही मानते हैं, वही एकमात्र उपास्य देवता है सबके लिए। ये बड़ा विचित्र है, रावण हिरण्यकश्यप आदि शिव जी के उपासक है, एवं शिव जी का आशीर्वाद से इतने बलशाली हुए थे, वो सबको वरदान करते हैं। तो दोनों ही उनको मानते हैं, ये बड़ा विचित्र है। तीसरा कारण है सारे अस्त्र शस्त्र शिव जी से आए हैं। अनेक व्यक्ति नहीं जानते हैं कि विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भी शिव जी के पास था। शिव जी विष्णु को दिया था उनका कार्य करने के लिए, विष्णु को उन कारणवश पार्वती जी को दे दिया था। पार्वती जी वो बाद में परशुराम को दिया था एवं परशुराम से श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र कहा जाता है, चक्रधारी। और शिव जी को कहा जाता है पिनाक पानी, पिनाक रूप धनुष, क्योंकि शिव जी का धनुष कहा जाता है वो सबसे बड़ा जो शस्त्र है, इसके टंकार से प्रलय हो जाता है और वो इतना भारी है कोई उठा नहीं पाते हैं। इसलिए हम देखते हैं रामायण में शिव जी का धनुष एकमात्र उनके शिष्य राम जी उसको उठा के तोड़ सका। श्री राम शिव जी के परम भक्त है, उनके शिष्य है। वो कहते हैं जिसके हृदय में शिव जी का भक्ति नहीं है
वह हमारे कृपा प्राप्त नहीं होगा। अब जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन जब प्रार्थना किया था तो शिव जी किरात रूप से आविर्भूत होकर उसे लड़ाई किया था, और लड़ाई में जब अर्जुन उनको परास्त करने के लिए उद्यत हो गए तब प्रसन्न होकर अनेक प्रकार शास्त्र शास्त्र दिया था जिससे अर्जुन का विजय प्राप्त हुआ था। फिर शिव जी को कहा जाता है नीलकंठ। हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र के नीचे अमृत है, अमृत पाने के लिए देवता एवं असुरगण हाथ मिलाया और सुमेरु पर्वत के बीच में आके मंथन करना शुरू किया। दे वांटेड टू चार्न द ओशन, लेकिन पहले वो तो अमृत चाह, पहले आया हलाहल, विष का प्रभाव से चारों ओर अफरा तफरी मच गया। अरे ये क्या हो गया, हम लोग तो अमृत चाह लेकिन पहले ये हलाहल आया, विष आया। ये दुनिया का नियम है, जब हमको अच्छा चाहते हैं पहले बुराई को चुनौती देने के लिए हमारे मन में बल होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तभी जब इस अवस्था हो गया कौन रक्षा करेंगे, वही देवादि देव उनके पास चले गए। कोई धारण नहीं कर सकता है, जो धारण करेगा वो जल जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो श्रेष्ठ देवता वो सब दुनिया को बचाने के लिए, कितने करुणा है, दुनिया को बचाने के लिए स्वयं पान कर लिया और वो कंठ में धारण करके रखा, क्योंकि वो भी अगर और नीचे चले जाए तो उनको भी लिए खतरनाक है। इसीलिए उसको नीलकंठ कहा जाता है, उसका कंठ नील बनना है विष के प्रभाव से। विष को हजम कर सकते हैं, सबके कल्याण के लिए सबके विष जो ग्रहण करते हैं वही देवादिदेव है, वही श्रेष्ठ देवता है। इसका चर्चा हम थोड़ा बहुत आगे भी करेंगे। फिर पंचम है वो अर्धनारीश्वर है। ये एक विचित्र है, शिव जी के एकमात्र है जो शिव पार्वती दोनों एक साथ विराजमान है। इसका भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में इसका संकेत ही है शिव और शक्ति अभिन्न है। और शिव के साथ जिसको साधारणतः समझने के लिए उसका पत्नी कहा जाता है, सती कहलाता है, इतने प्यार का बंधन है कि सती शिव निंदा सुनने के लिए भी पसंद नहीं किया। जब उनके पितृलय में गया, शिव जी मना किया था मत जाए करो, तो उन्होंने गया अपने मायके के, कौन नहीं जाने चाहते हैं, पितृलय में गया, उनका निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जो आयोजन में निमंत्रण में सब देवतागण जा रहे हैं वो भी जाए, लेकिन वहाँ पर जाके दक्ष जो प्रजापति बना वो अहंकार की वजह से शिव निंदा शुरू कर दिया। और वो भी क्यों किया,
कि जब देवतागण के सभा में दक्ष जब उपनीत हुआ, दक्ष भी आमंत्रित थे इसके पहले, तो वहाँ पर शिव जी भी उपस्थित थे। सब देवतागण खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, शिव जी नहीं किया। ही डज नॉट केयर फॉर एनीबॉडी, ही इज इनडिफरेंट, ही इज द ग्रेटेस्ट। दक्ष का बाद जब बहुत अभिमान हुआ, भूल गए कौन है, क्योंकि वह भी प्रजापति है, सारे दुनिया का राजा है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कि जब दक्ष प्रजापति बना, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कोई असत जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब बड़ा अधिकार आया दक्ष का, हृदय का पूरा धरती का राजा, तब मन में अति अभिमान आ गया, मैं कौन हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। और इसमें जो टिप्पणी दे रहे हैं, इसी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है जिसको अधिकार पाने से, पावर पाने से, शक्ति पाने से उसमें उसका अहंकार नहीं होगा। इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट पावर, तो भी इसके शिकार बन गया और शिव जी के में निंदा कर दिया। लेकिन शिव तो इसमें परवाह नहीं करते, लेकिन उनकी जो काउंटर पार्ट अर्थनारीश्वर है ना, सुनते ही तत्काल शरीर छोड़ दिया। तो ये एक उत्सव का क्षेत्र, एक स्मशान बन गए। और ये सुनते हुए शिव जी का जो गणगण वह उपस्थित थे, भूत प्रेत गण, उन लोग दक्ष यज्ञ कर दिया। जो यज्ञ भूमि कह रहता है उसको तच नच कर दिया। लेकिन इसमें शिव जी जब सुना जो अपना प्राण चले गए, तब वो आके प्रमत्त हो गए और सती का मृतदेह कंधे में रखकर प्रलयनाचन शुरू कर दिया। तो दुनिया तो ध्वंस हो जाएगा क्योंकि रह नहीं पाते हैं। तो सब विष्णु के पास गए, ये बचाइए। तो आपने सुदर्शन चक्र एक एक करके धीरे धीरे काटते हुए, शिव जी को तो कोई अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो उनका सती का शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो 51 टुकड़ा कर दिया। तो विभिन्न प्रांत में, भारत के विभिन्न प्रांत में जो टुकड़ा जहाँ पर पड़ा वो एक शक्तिपीठ बन गए, जहाँ पर जो अंश पड़ा था। इसीलिए हमारे यहाँ पर 51 शक्तिपीठ है, विभिन्न जगह में है, जैसे कालीघाट में जीवा पड़ा था, इसी कामाख्या में, विभिन्न जगह में है। तो शिव जी है अर्थनारीश्वर। फिर आगे हम देखते हैं जो सप्त ऋषि के जनक है, सप्त ऋषि सृष्टि किया शिव जी। सृष्टि में चारों ओर ज्ञान वितरण करने के लिए, ज्ञान के देवता है जो सप्तर्षि कहा जाता है, शिव जी का ही वरपुत्र है, जिसका दर्शन हुआ था ठाकुर का। तो वो ज्ञान वितरण करते हैं बराबर के लिए,
और वो अमर है। तो सबके कल्याण के लिए शिव जी की इतना प्रयास है, वो तो ध्यान मांगना है, लेकिन कल्याणकारी इनको सब चारों ओर भेज दिया था, अशेष कल्याण किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। फिर शिव जी के परिवार में हम देखते हैं कि विपरीत धर्मी सब एक साथ सहवास कर रहे हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा और शिव जी के गले में है सर्प, दोनों ही सहवास है। फिर कार्तिकेय का वाहन है मयूर, मयूर सर्प को खा लेते हैं। पार्वती के वाहन है सिंह, शिव जी के वाहन है बैल, एक दूसरे का बैल है, लेकिन कोई किसी के पास बहिर्भाव अपन्न नहीं है, शांतिपूर्ण सहवास कर रहे हैं। ये बड़ा संकेत है, दुनिया में परिवार में सब एक किस्म नहीं होता है, लेकिन विपरीत धर्मी सबको लेकर कैसे शांतिपूर्ण भाव से चलना चाहिए, ये शिव जी का बड़ा संकेत है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े हैं। और शिव जी के जो वेशभूषा में जो विचित्र प्रतीक चिन्ह है, वो सर्वधर्म के प्रतीक चिन्ह सब मिलता है। जो ईसा मसीह का क्रॉस है, जो बौद्ध धर्म का चक्र है, जो ओंकार है, इस्लाम में चंद्र है, जो यहूदी का जो चिन्ह है, सब कुछ शिव का वेशभूषा में मिलता है। सर्वधर्म का प्रतीक है, अर्थात सर्वधर्म का जनक है, सर्वधर्म समन्वय शिव जी का भीतर ही विराजमान है। और शिव जी का नवम है, शिव जी का जहाँ निवास है कैलाश मानस सरोवर, वो पृथ्वी का सर्वोच्च पर्वत माना जाता है। यद्यपि सर्वोच्च शिखर नहीं है, वहाँ पर इसकी उच्चता है 22,068 फीट अबव दी सी लेवल, 22,068 फुट ऊंचा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट उससे भी ऊंचा है, लेकिन सबसे बड़ा पर्वत है, विशाल पर्वत एवं मानस सरोवर जो कि तिब्बत में है अभी वर्तमान में, वहाँ पर शिव जी का शांतिपूर्ण निवास है, जो कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। और दशम कारण है, शिव सबसे गुरु है। गुरु को माना जाता है हेवी, सबके पथ प्रदर्शक है। आज गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम जमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शिव जी के पास जाते हुए चंद्र टेढ़ा होने से पर भी सर्वत्र पूज्य है। शिव जी का प्रभाव से टेढ़ा भी सीधा बन जाता है, यही उनका महत्व है। और शिव जी का जो आविर्भाव होते हैं, जिसे शंकराचार्य हमारा आदि गुरु है, शिव जी का यह अवतार है, कहा जाता है शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यो कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। जो विष्णु बादरायण
जो ब्रह्मसूत्र रचना किया, शंकराचार्य उसके भाष्य रचना किया, दोनों की इंट्रोडक्शन भी हुआ था, वो दूसरा टॉपिक है। और वही शंकराचार्य शिव जी का अवतार माना जाता है, वह हमारे सन्यास दशनामी संप्रदाय का सन्यास का गुरु है। इसलिए शिव को ही वंदना होता है पहले। अभी देखते हैं भगवान श्री रामकृष्ण का जो श्री स्वामी विवेकानंद का जो आविर्भाव हुआ था, इससे शिव जी का क्या प्रासंगिकता है। हम जानते हैं कि गया धाम में विष्णु का दर्शन हुआ था जाते वक्त सुधीराम जी का, लेकिन जब वापस आया तब चंद्रमणि देवी बताया कि जोगेश्वर शिव मंदिर से आलोक स्तंभ उनकी उदर में प्रवेश कर गया। और कमारपुर में जब जन्म हुआ था वो बालक, अपने आप अपने को भूषित करने के लिए वो वहाँ पर जब राख रखा हुआ था, जोने की बनाने के लिए जो चूल्हा था उससे अपने को भूषित कर दिया था। ये शिव जी का भूषण है, अपने आप को भूषण करके प्रमाणित किया है, शिव जी से उनका आविर्भाव हुआ है। जबकि एक बार शिवरात्रि काल में शिव जी का आवेश हुआ था, साक्षात शिव को देख के सम्मोहित हो गया, यात्रा भंग हो गया, लेकिन उसका जीवन सफल हो गया जो यात्रा देखने के लिए आए थे। फिर बाद में जब दक्षिणेश्वर में पुजारी होकर आए थे, तब भी जब शिव मंदिर का मंदिर में बैठ के शिव महिमा स्तोत्रम आवृत्ति कर रहे थे, तब समाधि में चले गए। जब उस पर आया शिव महिमा स्तोत्र में, जब जहाँ पर लिखा हुआ है असित गिरि समम साथ कज्जलम सिंधु पात्री सुरबोरु तर शाखा लेखनी पत्र मोरबी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव महिमानम ईशा पारम न जाती। हे प्रभु, आपका महिमा का सीमा नहीं है, स्वयं सरस्वती अगर लेखिका होते हैं एवं नील पर्वत जो काली का सियाई का बड़ी होता है, एवं स्वयं सिंधु जो आपका मसी पात्र बनता है, एवं जो श्रेष्ठ पारिजात वृक्ष का जो शाखा है वो लेखनी बनता है, एवं पृथ्वी यदि अगर लिखने का कागज बनता है तब भी इसको शेष नहीं होगा। बोलते बोलते वो समाधि में चले गए। उस समय मथुर बाबू उपस्थित थे, सब आदमी सोचा ये इसका कुछ बीमारी हुआ था, लेकिन मथुर बाबू उपस्थित थे। जब उन्होंने उनका समाधि भंग हुआ, वो सोचा कुछ गड़बड़ हो गया, मथुर बाबू ने नहीं, अच्छा नहीं बाबा, आप स्ताप पाठ कर रहे थे, मैं इन्होंने इनको सावधानता से आपको रक्षा कर रहे थे। यही श्री रामकृष्ण के जीवन का शुरुआत से फिर आके उनको वाणी जत्र जीव तत्र शिव, सबके भीतर शिव दर्शन, एवं उसी अनुसार जो अमर उनका उपदेश है शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसके अनुसार साथ में लाए थे स्वामी विवेकानंद को, जो कि वही सप्तऋषि का शिव जी का श्रेष्ठ ऋषि है, शिवावतार है, जिनको पाने के लिए भुवनेश्वरी देवी वीरेश्वर शिव को प्रार्थना किया था। और बच्चा आके जब बचपन में बदमाशी करता था तब कहते थे शिव जी को प्रार्थना किया
और उसको एक दाना को भेज दिया। इतने परेशान करते हैं, वही व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद, जिसको हम जानते हैं। कई व्यक्ति दर्शन किया स्वयं शिव जी से, उनके गुरु भाई शिवानंद जी वाराणसी मठ में एक ही मच्छरदानी के भीतर सब सोते थे। रात में उठ के देख ले हैं, तारक महाराज स्वामी जी नहीं है, छोटा छोटा शिशु, ज्योति का शिशु खेल रहे हैं। फिर समझ में नहीं पाया, फिर बाद में पता चला शिव पुराण में है, यही वीरेश्वर शिव का काशी खंड में है, उनका एक रूप में होता है। लेकिन जब स्वामी जी को बोला, इसे देखा था, तो स्वामी जी उसको आत्मगोपन करने के लिए बोला था, अरे वो कुछ नहीं है, तुम्हें शायद दाल ज़्यादा खा लिया था, तुम्हारा पेट गर्म हो गया था। शरदचंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के शिष्य दर्शन करने के लिए आए, देखा स्वामी जी लेटे हुए हैं, थोड़ा देर बाद देख रहे, अरे तो स्वयं शिव है। इसीलिए हम लोग स्तुति करते हैं स्वामी जी का, मूर्त महेश्वर उज्ज्वल भास्कर, वो महेश्वर है। मिष्ट मानोन्यम वंदे वेद तुनु मुज्जित भास्कर। तो ये जो स्वामी जी का जो ये बंधन है, ये चिट्ठी में लिख रहे हैं, जो नेतिवाचक चिंताएं को दूर कर दो, सब समय कल्पना करो चिदानंदमय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और आपने को शिव जी का अंश मानते हुए जीवन में साहस अवलंबन करो। ये शिव जी का वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद के रूप से पुनराविर्भाव। लेकिन हमारे लिए क्यों शिव जी वरणीय है? देखिए, हम जब भगवान को पाने चाहते हैं, हमारे अनेक कमियां हैं, इसका प्रतिनिधि है हजरा महाशय प्रताप चंद्र हजरा। ठाकुर के सान्निध्य में रहते हैं, लेकिन ठाकुर से कितने दूर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद को पकड़ लिया, नरेंद्रनाथ को। ठाकुर कहा करते थे, मेरा फेरेंडो है नरेन और नरेन का फेरेंडो है हजरा, हजरा को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नरेंद्रनाथ ठाकुर को पास जाके उनके लिए प्रार्थना किया, इनको आपको कृपा करना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं होगा, ये खल है, इसका नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, आपको करना ही पड़ेगा। तब ठाकुर आखिर में बोलना पड़ा, हॉबी राजी होना पड़ा। तो हमारा जो उपाय है वो है शिव जी, शिव रूपी स्वामी जी, जिसके माध्यम से ही हम ठाकुर के पास जा सकते हैं। इसीलिए ठाकुर साथ में उनको लाए थे, ताकि उनको अवलंबन करते हुए हम भगवान के पास पहुंच सकें। हमारे लिए वही सहारा है। इसलिए शिव जी को गुरु कहलाता है। गुरु वही है जो हमें हाथ पकड़ के हमारे इष्ट तक पहुंचा देते हैं, और हमारे इष्ट है परमात्मा है श्री राम कृष्ण। इसके लिए
उनकी जन्मतिथि में बिलुन मठ में संन्यास दीक्षा दिया जाता है और वही शिव जी के अवतार दो रूप में आविर्भूत है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री रामकृष्ण को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद के वाणी पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ही सबको लेकर आशुतोष है शिव जी का, जैसे महात्मा कहा गया है, दयावान है, वो कृपा करके हमें भगवान का पास पहुंचा देते हैं। जिसे हजरा को किया, अनेक को किया, ठाकुर की कृपा दिलवा दिया। करुणा बता रहे शिव जी का स्तुति में गिरीश चंद्र घोष एक संगीत लिखा है क्यों वो प्रधान है, क्यों ये देवादिदेव है, महादेव है, क्यों है। बेल पाथा नए माता पे थे गाल बजा ले हाय खुशी, मान अपमान समान तो तार तार काछे ना के वो दोषी। सिर्फ बिल पत्ता और पानी से चलेगा और घंटा निनाद का जरूरत नहीं है, गाल बजाने से खुश हो जाते हैं। ऐतो जी भूले था कि नेचे आशे जे ताए डाके, बोम भोला बोल बोले कहनो लो ना जेचे जा खुशी, जो चाहते हैं मांग लो, पुकारने से आ जाएंगे। जा फेले देचे नाय से जेचे, भालो मंदो नाई हुशी। जो हम लोग फेंक देते हैं सामान्य चीनी, वो मांग के ले लेते हैं, शशानवासी है, अच्छा बुरा उनके पास कोई विचार नहीं है, आशुतोष है, सबको वरदान करने के लिए तैयार है और देवादिदेव है। आज पावन तिथि में उनके स्मरण करते हुए हम हमारे बीच में उनका पुनराविर्भाव श्री रामकृष्ण श्री स्वामी विवेकानंद के माध्यम से उनको स्मरण करते हुए शिवरात्रि उत्सव पालन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शिवरात्रि की पूजा का कार्यक्रम आपको दिया गया है, शाम को 7:30 बजे से पूजा शुरू है, 4 प्रहर का पूजा होगी। ऑनलाइन में कार्यक्रम दिखाया जाएगा, 4 प्रहर में पुष्पांजलि होगी और आप लोग संभव होगा तो पूजा में अंशग्रहण करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।